आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। सर्कल क्या है? आपने जरूर देखा होगा सर्कल। ये है आपके सामने सर्कल, इस टाइप की शेप होती है सर्कल की। इस सर्कल में कुछ नाम जो आपको याद होने चाहिए, ये है सबसे पहले नाम। इसे कहते हैं हम सेंटर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर। मैं सेंटर ऐसे लिख देता हूँ, सी, ठीक है ना। सेंटर की एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट लोकेशन है, यानी कि सेंटर को स्पेसिफिक किया है, और वो स्पेसिफिक क्या किया है, इसे हम एच और के बोलते हैं। आगे वाली संख्या को एच और पीछे वाली संख्या को के बोला जाता है। यहाँ पर पासिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्कल पे, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी। तो एक पासिंग पॉइंट ले लेते हैं पी, दिस इज कॉल्ड एक्स कोमा वाई। ओके, तो सेंटर से और पासिंग पॉइंट तक एक डिस्टेंस दिखता है आपको, उसे हम रेडियस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस से हम आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेंटर है, ये रेडियस है, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ को रेडियस बोला जाता है। सेंटर एक कोऑर्डिनेट होता है और पासिंग पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है सर्कल पे। सेंटर सर्कल पे नहीं होता, ये पासिंग पॉइंट सर्कल पे होता है कहीं पर भी। ओके, और डिस्टेंस जो होगा यहाँ सेंटर से रेडियस का, वो हमें सेंटर से पासिंग पॉइंट का, हमेशा वो रेडियस यानी इक्वल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर सीख रहे हैं इक्वेशन निकालना। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन निकालने के लिए पूछेगा। तो देखिए, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बहुत सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, देखिए सी और पी का डिस्टेंस फॉर्मूला ही आर कहलाता है। सी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला ही आर कहलाता है। सी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपने जरूर सीखा होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस देन वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तरफ रूट है, एक आर, सॉरी, एक तरफ रूट है, एक तरफ आर है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर दोनों साइड्स में आप स्क्वायर कर देंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बचेगा, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बचेगा, एंड देन आर स्क्वायर बन जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एच और के क्या है? सेंटर, सेंटर है एच कोमा के, और रेडियस क्या है? रेडियस है आपके सामने आर। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे कॉपी करिए और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, आपको क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दे रखा होगा, आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन, देना इसमें रख दीजिए, इक्वेशन आ गई। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी, आपसे पूछेगा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, तो आप इसकी लोकेशन देखेंगे और निकाल लेंगे, इसे आप क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नाउ ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, और एक और इक्वेशन होती है, उसे कहते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हालांकि वो जनरल इक्वेशन इसी को मॉडिफाई करके बनती है, लेकिन आप उसे डायरेक्ट याद रखेंगे, और वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी या फिर फाइंड करनी होगी। तो अगर इसमें मिलती है इक्वेशन, तो आप इसमें से सेंटर निकालेंगे, और सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। ओके, उसके बाद आप यहां से रेडियस निकालेंगे, और रेडियस इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये आपके सामने सेंटर है, ये आपके सामने रेडियस है, ये आपके सामने इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी, आपको ये निकालना है। इसके अलावा एक और है, इफ डायमीटर्स, इफ पॉइंट्स ऑफ डायमीटर डायमीटर इज गिवन, है ना, आर गिवन। अगर आपको एक सर्कल में डायमीटर, डायमीटर इसे कहते हैं, बिल्कुल बीच में से लाइन जाती है जैसे, है ना, ये पॉइंट दे रखा है ए एक्स वन एंड वाई वन, ये पॉइंट दे रखा है बी एक्स टू एंड वाई टू, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए,
इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं इसे इस तरीके से नहीं कराता क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे को डायमीटर के पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और इसकी आधे को रेडियस कहते हैं तो रेडियस निकल सकता है, और उसके बाद इसका मिड पॉइंट लगाइए तो यहाँ पर ये सेंटर निकल सकता है। रेडियस और सेंटर से मैं यही कराता हूँ। बेसिकली तो दो ही इक्वेशन याद रखनी है, एक ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके बाद इसको ही मॉडिफाई करके बनी है जनरल इक्वेशन। ये आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, सेंटर रेडियस पूछेगा, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा, सेंटर रेडियस पूछेगा। आपको क्वेश्चन में रेडियस और सेंटर दे रखा है तो हमेशा इस फॉर्म में, फिर इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस करेंगे। बस इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, सर्कल फिनिश होता है, सर्कल में और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, इस पूरे फॉर्मूलेस जितने भी हैं सबको कॉपी कर लीजिए, ये यहाँ से है ठीक है ना, इस तरीके से ये अलग है वो अलग है, तो कॉपी करिए और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। आपको इस वीडियो लेक्चर में जो ये सर्कल कराया है, अगर आपको इसे कंप्लीट देखना है और इस कोर्स को कंप्लीट देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा, उसमें वन बाय वन हमने सारे के सारे लेक्चर्स दिए हैं रिगार्डिंग टू दिस कोर्स। ओके,